वंदे मातरम दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं चर्चा करूंगा जिन जातकों का जन्म 8, 17 या 26 जनवरी को हुआ है, उन जातकों के स्वभाव, उनके आर्थिक स्थिति और उनके स्वास्थ्य। विशेषकर मैं इन तीन चीज़ों पर मैं उन चर्चा करूंगा। और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जिन जातकों का जन्म 8, 17 या 26 जनवरी को हुआ है, उन जातकों के विषय में आज मेरी चर्चा है। दोस्तों, इनके कंधों पर सारी दुनिया का जो भार है और सारी दुनिया की जिम्मेवारियां, जैसे मैं कहूँ, थोप दी जाती हैं। सिंपल से शब्द में आप इस बात को समझ गए होंगे कि इन पर जिम्मेवारियां और सारे लोगों के दुखों को थोप दिया जाता है। जिम्मेवारी का भार इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है इन्हें अपनी जिम्मेवारियों का। जी हाँ दोस्तों, जिन जातकों का जन्म 8, 17 या 26 जनवरी को हुआ हो, दोस्तों आपको भारी कठिनाइयों और विरोधों का सामना भी करना पड़ता है। वो जातक जिनका जन्म 8, 17 या 26 जनवरी को हुआ है, दूसरों से कोई सफलता मिलेगी भी आपको तो बहुत थोड़ी सी। सफलता के लिए आपको स्वयं पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे जातकों का कुछ भाग्य ही ऐसा होता है कि इन्हें किसी से बहुत थोड़ी सफलता मिलती है, थोड़ी सहायता मिलती है और इन्हें सफलता के लिए स्वयं पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ये एक खास बहुत बड़ी बात है उन जातकों के जीवन की जिनका जन्म 8, 17 या 26 जनवरी को दोस्तों हुआ हो। एक विशेष बात मैं कहूँगा इन जातकों की, इनमें अपना काम पूरा करने के लिए बहुत सारा धैर्य, जिन्हें कहने पेशेंस, लगन और संकल्प, विल पावर, ये तीनों इनके अंदर कूट कूट कर भरी होती है। ये एक खास विशेषता इन जातकों की है जिनका जन्म 8, 17 या 26 जनवरी को हुआ हो। दोस्तों, ऐसे जातक बहुत एम्बिशियस होते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। कैसा भी विरोध आपको अपने योजनाओं को पूरा करने के मार्ग से विचलित नहीं करता, बहुत बड़ी बात है दोस्तों ऐसे नंबर की। जिस तरह का मर्जी विरोध इनके लिए हो, लेकिन जो इन्होंने ठाना है उसे पूरा करने में ये किसी बात का ध्यान नहीं रखते और उस ध्येय की पूर्ति में पूरे दृढ़ संकल्प से, लगन से और पेशेंस से ये लगे रहते हैं। ऐसे जातक जिनका जन्म 8, 17 या 26 जनवरी को हुआ हो दोस्तों, उनके लिए मैं एक बात और कहूँगा कि जिंदगी में इनके कभी कभी ऐसा दौर भी आता है जहाँ ये गंभीर निराशा में डूब जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके जीवन में ऐसा दौर भी एक आता है जब ये बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। परिवार का बंधन हो या अपने किसी प्रियजन की मृत्यु से परेशानियों और दुखों का सामना इन्हें करना पड़ता है। ऐसे जातकों को जिनका जन्म 8, 17 या 26 जनवरी को हुआ हो, बात करूं दोस्तों मैरिज लाइफ की इनकी, तो एक छोटी सी सलाह मैं दूंगा ऐसे जातकों को जिनका जन्म 8, 17 या 26 जनवरी को हुआ हो।
मैरिज का ख्याल ये जितनी लेट करेंगे यानी जितनी ज़्यादा उम्र में ये विवाह करेंगे उतना इनके लिए वो विवाह शुभ कर होगा। अगर ये विवाह जल्दी कर लेते हैं तो वो विवाह शुभ कर उतना नहीं होता जितना कि इनका वैवाहिक जीवन वो शुभ कर होता है जितना ये लेट विवाह करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य मेरा ये है, थोड़ी उम्र होने पर विवाह करते हैं तो इनका वैवाहिक जीवन फिर बहुत शुभ कर होता है उन जातकों का जिनका जन्म 8, 17 या 26 जनवरी को हुआ हो। दोस्तों, अपने से जो छोटे लोग हैं दोस्तों, उनसे इस तिथियों को जिनका जन्म हुआ है 8, 17 और 26, ऐसे जातकों का एक मानसिक और नैतिक लगाव सा होता है जिससे उनको जीवन में उन्हें की खुली आलोचना होती है और लोग अंदर खाने इनका विरोध भी करते हैं। ये हालांकि दूसरों के दोषों की ओर से आंखें बंद नहीं करते, फिर भी उनके गलत कामों को सही ठहराने के लिए कोई बहाना खोज लेते हैं और उनकी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ऐसे जातक ओढ़ लेते हैं। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, ऐसा सारा नेचर उन जातकों का होता है जिनका जन्म 8, 17 या 26 जनवरी को हुआ हो। दोस्तों, आपका जो स्वभाव, ऐसे जातकों का जो स्वभाव है दोस्तों, वो प्राकृतिक रूप से ऐसे जातक गंभीर स्वभाव के होते हैं और गहन चिंतनशील व्यक्ति कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे सभी जातक जिनका जन्म 8, 17 या 26 जनवरी को हुआ है गहन गंभीर स्वभाव के होते हैं और गहन चिंतक और विचारक भी होते हैं। दूसरों के लिए बहुत सुंदर योजनाएं बनाने में ये कुशल होते हैं और ऐसे जातक विपक्षी लोगों को, उनके विरोधों को अपनी सफाई से, उनकी उत्तेजनाओं को शांत करने में सफल होते हैं। ऐसे जातकों के विषय में एक बहुत ही ठोस बात मैं बताने जा रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से इस बात को समझें और सुने दोस्तों, कि ऐसे जातक जिनका जन्म जनवरी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को हुआ है, ऐसे लोग ना तो अपने दिल की बात खुलकर किसी से करते हैं, ना अपने दिल का दर्द दूसरों को कभी बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत गहरी बात, ना अपने मन की बात खुलकर किसी को बोलते हैं, ना अपने दिल का दर्द किसी को बताते हैं। इनकी आंखों में तो दोस्तों आपको चमक नज़र आएगी, जी हाँ दोस्तों, इनकी आंखों में चमक नज़र आएगी, चाहे इनके अपने पांव जो हैं अंधकार में भटक रहे हों। निश्चित कर जानो दोस्तों, इनके आंखों में चमक नज़र आएगी, लेकिन खुद के पांव चाहे इनके अंधेरे में भटक रहे हों। ऐसे जातक इतने ज़्यादा गंभीर जातक, इतने चिंतनशील जातक होते हैं ये, जिनका जन्म 8, 17 या 26 जनवरी को हुआ हो। दोस्तों बात करूं मैं ऐसे जातकों की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में, तो बहुत ही एक अजीब सी बात है कि ऐसे जितने जातक हैं जिनका जन्म 8, 17 या 26 जनवरी को हुआ है, वो बुढ़ापे के लिए, अपनी ओल्ड एज के लिए
संभावनाएं होती हैं कि बचत करके रखें, लेकिन वो बचत करके अपने ओल्ड एज के लिए नहीं रख पाते और उल्टी सीधी वसीयत नामा कर देते हैं और गरीबी की चादर को ओल्ड एज में ओढ़ लेते हैं। ऐसी वसीयत जो इन्हें ओल्ड एज में गरीब बना देती है। इनकी दशा पर एक ही बात कहूँगा कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, और इनके दोस्तों और इनके चाहने वालों को ये देखकर बड़ा आश्चर्य लगता है कि इन्होंने ऐसी वसीयत कर जाते हैं, ऐसा कुछ कर लेते हैं कि बुढ़ापा गरीबी से ओढ़ लेते हैं। ऐसे जातक जिनका जन्म 8, 17 या 26 जनवरी को हुआ हो। दोस्तों स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करूं, हेल्थ के बारे में चर्चा करूं कि जिन जातकों का जन्म 8, 17 या 26 जनवरी को हुआ है तो इनकी हेल्थ की कंडीशन कैसी रहती है। तो दोस्तों गिरने से या एक्सीडेंट से पैरों में चोट लगने की संभावना, एड़ियों में चोट लगने की संभावना, एड़ियों में मोच आने की संभावना, और तीसरा स्पाइन की हड्डी में स्पाइन में चोट लगने की संभावना, ये संभावनाएं इनको जीवन में रहती हैं जिससे इन्हें सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों चर्चा करूं दोस्तों कि इन्हें अपनी हेल्थ को और अपनी किस्मत को चमकाने के लिए कि जिसे इन्हें अपने भाग्य का अच्छा साथ मिले, हेल्थ वेल्थ लाइफ में अच्छी रहे, उसके लिए मैं साथ साथ आपको कुछ रंगों के वस्त्रों के उपयोग के बारे में बता रहा हूँ। उसी तरह जिन जातकों का जन्म 8, 17 या 26 जनवरी को हुआ है दोस्तों, उनके लिए गहरा जामुनी रंग, जी हाँ दोस्तों गहरा जामुनी रंग, नीला रंग और स्लेटी रंग, ये तीन कलर के कपड़ों को, ये तीन कलर के वस्त्रों को ये अपने जीवन में यदि जगह देते हैं दोस्तों, तो इनके लिए बहुत ही शुभकर होने वाला है सब कुछ। अगर इन तीन कलर के कपड़ों को अपने जीवन में अधिक से अधिक ये स्थान देते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर दूं उन रंगों को, पहला है गहरा जामुनी रंग, नीला रंग और तीसरा है स्लेटी रंग। जी हाँ दोस्तों इन तीन रंगों के वस्त्रों को इन्हें अपने जीवन में अपनी खुशहाली, अपनी सफलता, अपने हेल्थ और वेल्थ के लिए इन्हें धारण करना चाहिए इन रंगों के कपड़ों को दोस्तों। अच्छा दोस्तों आपने मेरे इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुना और देखा, इसके लिए अजीत का आपको दिल से धन्यवाद। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक मेरे इस चैनल के लिंक को शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस विद्या का अधिक से अधिक, इस जानकारी का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें दोस्तों। अच्छा दोस्तों अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य के खाते को बढ़ाते रहें, इसी कामना के साथ मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।